तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले जिन भी बंदों का कांट यूज दिस फोल्डर आ रहा है, ये देखो मैंने डाउनलोड से एक फाइल कॉपी की, डाटा में गया, यहाँ पे परमिशन देने के लिए मांग रहा है, ओके किया मैंने, यूज दिस फोल्डर पे क्लिक किया, अलाउ किया, और सिंपली भाई अब तुम्हारे सामने मैं किसी भी फाइल के डाटा के अंदर इसको पेस्ट करके दिखा दूंगा। देख लो भाई मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, मुझे कोई भी एरर नहीं आया, कांट यूज दिस फोल्डर एंड एनीथिंग। ठीक है, तो भैया जैसा कि तुम लोग अपने सामने देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी वे में यहाँ पे ये जो फोल्डर है इसको पेस्ट कर दिया है, और आप लोग भी बहुत ज्यादा इजी वे में आराम से जेड आर्काइवर का यूज करके अपने फोल्डर्स को पेस्ट कर सकते हो, अपने फाइल्स को पेस्ट कर सकते हो अपने डेटा ओबीबी के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और भाई मतलब एक्सेस कर पाओगे तुम डेटा ओबीबी को विदाउट एनी प्रॉब्लम, बस तुमको ये वीडियो को एंड तक देख लेना और कुछ भी नहीं करना है। तो चलो सीधा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे इसको करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो मेरे भाई लोग। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को चले आना है अपने फोन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, और सर्च कर लेना है यहाँ पे सिंपली IADB। ठीक है, IADB नाम का एप्लीकेशन है ये, इसको आपको इंस्टॉल करना है, आपके सामने ही मैं लाइव करूंगा जो भी करूंगा। आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद पहले मैं अपना अबाउट फोन दिखा दूँ, मेरा करेंटली वर्जन है यहाँ पे एंड्रॉयड 11 है, और एंड्रॉयड 11 है उसके अपर वर्जन में ही ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो भैया एंड्रॉयड 10 से नीचे वालों की तो आ भी नहीं रही है, तो जिनकी प्रॉब्लम आ रही है उनका इसमें फिक्स है। ठीक है, एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कुछ भी हो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने फोन का USB डिबगिंग ऑन कर देना है डेवलपर ऑप्शन में जाके, उतना तो आपको पता ही होगा आई थिंक, तो अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, आपको सिंपली डेवलपर इनेबल करना है, उसके अंदर जाना है और USB डिबगिंग ऑन कर देना है। इसके बाद सिंपली गाइस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट अपना एक किसी भी दूसरे फोन का वाईफाई कनेक्ट करना है, और एक बार आपको वायरलेस डिबगिंग इनेबल कर देना है। उसके बाद IADB पे आना है, और सिंपली यहाँ पे IADB पेयरिंग में जाना है, और यहाँ पे देखो ऊपर पेयरिंग कोड आ रहा है ना, बस सिंपली आपको जाना है वायरलेस डिबगिंग के अंदर, और वायरलेस डिबगिंग के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली वहां पे क्लिक करना है और पेयर विथ पेयरिंग कोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेम पेयरिंग कोड आपको ऊपर डाल देना है, जो भी पेयरिंग कोड आपके सामने आ रहा है जस्ट इसको डाल देना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है इसको डालने के अंदर, और सेंड कर देना है। इसको सेंड कर दोगे आप लोग को और कुछ भी नहीं करना है, आपका यहाँ पे IADB कनेक्ट हो जाएगा जैसा मेरा हो चुका है। आपको नीचे स्टार्ट IADB पे क्लिक करना है, और बस IADB यहाँ पे आपका ऑन हो चुका है। अब आप अपने डेटा फोल्डर के अंदर, OBB फोल्डर के अंदर कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप गाइड इस ऐप के अंदर दिया हुआ है, आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो वो भी आप देख पा सकते हो। ठीक है, अब सिंपली भाई आप जब इसको ऑन कर दोगे आप लोग सिंपली वो टास्क कर पाओगे जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में करके दिखाया है, और चलो मैं आपको फिर से भी करके उसको दिखा देता हूँ। सिंपली आप लोग को जेड आर्काइवर के पहले अंदर जाना है, और जेड आर्काइवर के अंदर जाकर के आप ये टास्क कर सकते हो। और जेड आर्काइवर के अलावा एक और भी फाइल मैनेजर है जिसका नाम है RS फाइल मैनेजर, आप RS फाइल मैनेजर के अंदर भी सेम टास्क कर सकते हो, अपना डेटा OBB एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास जेड आर्काइवर पड़ा है तो मैं आपको जेड आर्काइवर के अंदर दिखा देता हूँ। और भाई देखो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया ये फाइल सिंपली, और इसको हम लोग ले जाएंगे एंड्रॉइड में, डाटा में यहाँ पे परमिशन देंगे, ओके करेंगे, यूज दिस फोल्डर, अलाउ, और अलाउ करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ OBB के अंदर। तो भैया मैंने यहाँ पे OBB भी यूज कर ली, वीडियो के स्टार्ट में आपको डेटा भी दिखा दिया। तो इसी तरीके से आप लोग बहुत ज्यादा इजी वे के अंदर अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो भाई जाओ, वीडियो क्या देख रहे हो, लाइक कर दो, जाओ जाकर के सॉल्यूशन मिल चुका है, एंजॉय करो, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, से नाड़ा।